रिक की एक बार में हत्या कर दी गई। तभी वहां के मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्टर से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। तभी मेहुल ने वहां के मैनेजर से पूछा, रिक किसी के साथ था जो उसको जहर दिया होगा? भी मैनेजर ने कहा, उसके तीन दोस्त उसके साथ थे। तभी मेहुल ने उसके तीन दोस्त को बुलाया जो उसके साथ था और उनकी तलाशी की। टेलर से पूछा तो उसने कहा, सर मैं पूरे दिन कार्यालय में था और सीधे घर आया, मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एमा से पूछा तो एमा ने बताया, सर मैं आज खरीदारी करने गई थी और मॉल में फूड कोर्ट में डिनर भी की, मैं लंबे समय से रिक से नहीं मिली हूँ। और सोफिया से पूछा तो सोफिया ने कहा, सर मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन बिस्तर पर हूँ, मैं आज बाहर नहीं निकली। इन सब की बातें सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से हत्या किसने की, टेलर, एमा या सोफिया? आपका जवाब क्या है हमें कमेंट पे बताइए। चलिए अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सोफिया ने कहा कि वह बीमार है और वह बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, फिर वह एक पार्टी के लिए तैयार क्यों है, अर्थात उसी ने हत्या की थी। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।